दोस्तों आज की इस वीडियो में हम Redmi Note 4 के गोल्डन कलर की यूनिट का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो जैसा कि इस वक्त आप देख सकते हैं, मेरे पास एक गोल्डन कलर के Redmi Note 4 के यूनिट का एक बॉक्स है। यहाँ पर Redmi Note 4 लिखा हुआ है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि इसके पीछे और क्या क्या स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है। सबसे बड़ी बात कि ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, MI की लोगो मिलती है। ये 64 GB के इंटरनल है, 4 GB के रैम है और ये गोल्डन कलर का यूनिट है। तो चलिए देख लेते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं हमें MI की लोगो मिलती है। तब चलिए बात करते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो यहाँ से हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें क्विक स्टार्ट गाइड मिलता है, यूज़र मैनुअल। तो चलिए इसे साइड करते हैं। उसके बाद हमें फ़ोन मिलता है। फ़ोन का फ्रंट साइड जो है वो बिल्कुल वाइट है और बैक साइड आपको गोल्डन कलर का मिलता है। तो आप देख सकते हैं फ्रंट साइड बिल्कुल वाइट है और यहाँ आपको बैक साइड में आपको गोल्ड कलर मिलता है। लेफ़्ट साइड में आपको वॉल्यूम ब्रोकर मिलता है, जिससे आप साउंड को बढ़ा घटा सकते हैं। और फिर उसके नीचे आपको पावर बटन मिलता है। सबसे नीचे आपको स्पीकर का ग्रिल्स मिलता है, उसके बाद फिर आपको USB केबल का पोर्ट मिलता है और फिर माइक की ग्रिल्स मिलती है। फ़ोन के बैक साइड में आपको 16 MP का कैमरा मिलता है विथ ड्यूल टोन LED फ्लैश, और फिर आपको फिंगरप्रिंट का सेंसर भी मिल जाता है, जिससे आप फ़ोन को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। फ़ोन के लेफ्ट साइड में आपको सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड का स्लॉट मिलता है। सबसे ऊपर आपको IR ब्लास्टर मिलता है, 3.5 mm का जैक मिलता है, ऑडियो जैक और फिर सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक मिलती है। फ्रंट में आपको 5 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है और नीचे आपको 3 कैपेसिटिव टच बटन मिलता है। अब बात करते हैं बॉक्स के अंदर के कंटेंट की। तो आप देख सकते हैं बॉक्स के अंदर हमें वारंटी पेपर मिला है, उसके बाद फिर हमें एक अडेप्टर मिलता है। अडेप्टर ये नॉर्मल अडेप्टर है, कोई फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता है। और उसके बाद फिर हमें एक USB केबल मिला है, जो कि ये बी टाइप है, AC टाइप नहीं है, जिससे आप फास्ट चार्जिंग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमें एक सिम इजेक्टर टूल मिलता है। बॉक्स के अंदर हमें और कुछ नहीं मिलता है। तो चलिए हम फ़ोन को बूट कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इसी तरीके के और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।